वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सबाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। अर्देशिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारी, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 125 फिल्में बनाईं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, अर्थात सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें उठाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन की 25 वर्ष पूरी होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्होंने भारतीय फिल्मों सबाक फिल्मों का पिता कहा
तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी काम किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। प्रदीप तिवारी। इसके प्रश्नोत्तरों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं।